तौर पर सियासी अरे अमेरिका से दल के हमारे हिंदुस्तान में प्लीज कम टू अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जुहैमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। और मेरा नाम है इस्मान कुरैशी भाई। स्वागत हो गया आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो क्या है, आज की वीडियो है असदुद्दीन साहब की, मतलब अवैसी भाई की वीडियो है। और जो मतलब इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है VS मतलब वर्सेस गोदी मीडिया। तो भाई मैं कहता हूँ आँख बंद करके ना क्या लगा लें जी, हाजिरी लगा लें, ठीक है। और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना क्योंकि छोटी सी वीडियो है, अवैसी ठग लाइफ है, ट्रोलिंग हो रही है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। तो बड़े मज़ा आने वाला है, बड़ी फनी फनी बातें होने वाली। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो के ऊपर। तो पहले काम करते हैं कि दिल थाम कर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या बातें करनी है। 3, 2, 1 प्ले। हम नहीं आना कहते, फिर कौन आना, दूल्हे भाई आना तुम्हारा। आंदो 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 दूल्हे भाई आना तुम्हारा। आंदो बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा सियासी तौर पर। सियासी अरे अमेरिका से दल के हमारे हिंदुस्तान में प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए। विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है, उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। सर मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूँ तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूं। सवाल करना है मुझे, दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। भाई क्या बात है। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूँ। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे। ये मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। मैं जो अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। सुनिए मैं आप फर्क मैं बता रहा हूं आपको कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में। फर्क यह है कि असदुद्दीन ओवैसी खातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हार पिनाते हैं, जो मार कर आते हैं। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। आप चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप हैदराबाद में आप हैं, वहां के मुसलमानों को तो आपने इंसाफ दिलाया नहीं अभी तक। बिहार आप पहले जाना चाहते हैं। अब देखिए इंसाफ दिलाए या नहीं दिलाए वो तो अगर आपके सामने कभी बहस करवा लीजिए। एम्पिरिकल डेटा के साथ सच्चाई सच्चर कमेटी हो, मिश्रा कमीशन हो, प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट हो तो आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा और माफी चाहना पड़ेगा। यार कमाल, मैं कहता हूँ मजा आ गया यार, क्या ठग लाइफ थी, क्या क्या बातें कही। आप ये देखो कि जब वो जो एक एंकर बैठी हुई थी और मीडिया पे तो वो बात कर रही थी कि यार आप मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उसने असदुद्दीन साहब कहते हैं कि भाई अगर मोदी के खिलाफ आपने नहीं सुना तो आप एक काम करें मुझे ना बुलाया करें इस चैनल के अंदर। जबरदस्त यार, बड़ी दबंग तरीके से ये बात करते हैं, जबरदस्त इनका अंदाज होता है। और
बोलते ऐसे हैं कि अगले की भी बोलती बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और कितनी मजे मजे की बातें होती हैं। आप ये देखें किस तरह की उन्होंने बातें कही ना कि भाई सबको हिला कर रख दिया। हाँ। और अभी भी कोई भी मीडिया का चैनल जो है ना वो इनको अपने साथ अपने पास बिठाते हुए भाई घबराते हैं कि हमारे मुंह से कुछ भी गलत निकल गया ना तो यार हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि भाई असदुद्दीन साहब की इस तरह की बातें होती है ना कि व्यूअर्स मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि यार इनकी बातों में एक ऐसी एक पावर मिलती है इंसान को। मतलब आप देखें कि हर लिहाज से ये पावरफुल है, ठीक है, एज अ बैरिस्टर हैं, फिर उसके बाद देखा जाए अपनी एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है, अभी लीडरशिप में जो ऑनर की जो सीट पे हैं वो भी आई थिंक यही है, ठीक है, तो और उसके बाद भी देखा जाए तो भाई इंसाफ के अंदर कायम है ये। साथ साथ बात अगर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही भाई, गोदी मीडिया वाकई मोदी साहब की है और किसी की भी नहीं है, सच में ये बिल्कुल ये बात हक और सच है। और जी स्टार्टिंग में जो दबंग तरीके से उन्होंने कहा चुप बैठ बैठ, अमेरिका से इधर आकर इधर बातें ना करो, वो जिस तरह वो बैठा है ना मुझे ऐसा लग रहा था वो जिस तरह सुपर मारियो ना छोटा सा हो जाता है, ट्रिंग टन 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 टन, वो वाला सिस्टम बोल रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखेगा, हमें तो बहुत मजा है, अपनी राय कमेंट पे लाजमी लिख दीजिएगा। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।